नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि पहाड़ों के अंदर मक्की कैसे बीजी जाती है और कितनी मेहनत की जाती है। तो यहाँ पर जो होता है ट्रैक्टर की सुविधा कम होती है, तो इसलिए जो बैल होते हैं तो बैलों से जोत कर मक्की बीजी जाती है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ जी, तो दोस्तों काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ छोटे छोटे खेत होते हैं, तो पशुओं को मोड़ने के लिए बहुत वक्त लगता है और यहाँ पर ट्रैक्टर नहीं आ सकता, तो इसलिए जहाँ पर ट्रैक्टर नहीं पहुँचता वहाँ पर हल जोता जाता है। तो आप देख रहे हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों खेतों के अंदर यहाँ पर देसी खाद फेंकी जाती है, तो आप देख सकते हैं इससे क्या होता है, फसल ज़्यादा होती है। देख सकते हैं पशुओं का गोबर है और इसको हम अपने खेतों में फेंकेंगे। तो ये अभी हमने इसमें मक्की बीज दी है, मक्की बीजने के बाद इसका जो घास है वो हमने निकाल दिया है। और अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो होता है यूरिया वगैरह नहीं लगाते हैं, जो अंग्रेजी खाद होती है वो नहीं लगाते हैं, सिर्फ देसी खाद का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए आपने देखा कि पहाड़ों के लोग हमेशा फिट रहते हैं, उनको बीमारियां कम होते हैं, तो यही कारण है उनका, क्योंकि वो देसी चीज़ जो नेचुरल चीज़ वो यूज़ करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो बैल आ रहे हैं, छोटी सी तंग जगह है, छोटा सा खेत है। तो ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि पहाड़ों के अंदर कैसे खेती बाड़ी होती है। जो पहाड़ों की खेती बाड़ी होती है बहुत कठिन होती है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, मगर जो ये एक कुदरती यहाँ पर जो होता है, लोग प्राकृतिक चीज़ें जो हैं ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, नेचुरल चीज़। तो दोस्तों ये बारिश पर डिपेंड होती है, यहाँ पर कोई पानी का साधन नहीं है। और आप देख सकते हैं, अब देखो कि जगह तंग है, बैल को घुमाएंगे ऐसे लग रहा है कि जैसे ट्रैक्टर चला रहे हैं, ये ट्रैक्टर की तरह चलाते हैं। यही है कि इसमें पेट्रोल नहीं है, थोड़ा लाठी है, लाठी मारते हैं ट्रैक्टर आगे। ये जो ड्राइवर है